अस्सलामुअलैकुम, आज मैं मैंगो डिलाइट बनाऊंगी बगैर किसी बेकिंग के, बगैर केक के। 2 कप दूध से बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, जब आप घर में बनाएंगे ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये ईद स्पेशल मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चलिए मैंगो डिलाइट बनाना शुरू करते हैं। मैंगो डिलाइट के लिए मैंने दूध लिया है 500 ग्राम, जो कि 2 कप है। इसको मैं पैन के अंदर डाल दूँगी। ये मैंने फ्रेश दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अभी दूध के नीचे मैंने फ्लेम ऑन नहीं की। दूध के अंदर से मैं 5 से 6 टेबलस्पून दूध निकाल लूँगी। अब मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है 3 टेबलस्पून, ये दूध के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं, अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें, कस्टर्ड अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको एक साइड पे रखूंगी और मैं दूध के नीचे फ्लेम ऑन करूंगी। दूध के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, आप दूध को बॉयल होने देंगे। दूध बॉयल हो चुका है, अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे 1/4 कप। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर। चीनी मिक्स हो गई है, अब मैं दूध की आग हल्की कर दूंगी और इसके अंदर मैंगो कस्टर्ड ऐड करूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि गुठली वगैरह ना बने। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, अब थोड़ी सी आग तेज़ करके इसको पका लेंगे गाढ़ा होने तक। कस्टर्ड गाढ़ा हो गया, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए कस्टर्ड। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ और कस्टर्ड को मैं ठंडा करूँगी। अब मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया है, उसका मैंने छिलका उतार के उसके क्यूब बना लिए। इसको एक ब्लेंडर के अंदर डाल लेंगे। अब इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। प्यूरी हमारी तैयार हो गई है, ये देखें इस तरह की होनी चाहिए स्मूथ। अब मैं इसको साइड पे रखूंगी। एक बॉल के अंदर मैं फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी 1 कप। ये मैंने बिल्कुल ठंडी क्रीम ली है, फ्रिज वाली ठंडी लेनी है लोगों ने भी। अब इस क्रीम के अंदर मैंगो प्यूरी डालूंगी जो मैंने बना के रखी हुई थी 3 टेबलस्पून। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। मैंगो प्यूरी अच्छी तरह मिक्स हो गई है क्रीम के अंदर। अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून। अब कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसे एक साइड पे रखेंगे। मैंगो कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, अब इसको एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही मैं मैंगो प्यूरी ऐड करूंगी जो बाकी बची हुई है, ये कस्टर्ड के अंदर डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, अब इनको एक साइड पे रखेंगे। अब मैं एक ट्रे के अंदर ब्रेड के स्लाइसेस रखूंगी। ब्रेड के किनारे मैंने काट लिए, आप चाहें केक भी रख सकते हैं। इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छी तरह। अब मैं ब्रेड के ऊपर मैंगो कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी इस तरह से। आधा कस्टर्ड इस तरह से डाल लेंगे ऊपर। आप इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे, इस तरह से लेयर लगा लेनी है क्रीम की। आधी क्रीम डालेंगे, आप इसके ऊपर दोबारा से ब्रेड की लेयर लगाएंगे, इस तरह से रख लेंगे। आप इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। जो बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड है वो सारा इसी तरह डालेंगे।
आप बाकी की बची हुई क्रीम डाल देंगे ऊपर, इस तरह से अच्छी तरह फैला के डाल देंगे। सारी लेयर्स मैंने लगा ली हैं, अब इसके ऊपर मैंगो के चंक्स रखेंगे, इस तरह से एक एक करके रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार मैंगो डिलाइट हमारा तैयार है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी और अच्छी तरह ठंडा करूंगी, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी ये कैसा बना। मैंगो डिलाइट को मैंने फ्रिज से निकाल लिया, ये काफ़ी ठंडा हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह से जमा हुआ है, बिल्कुल फुल ठंडा है। मैंगो डिलाइट को मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में मज़े का है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी ऐसा ही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।